भारत समाचार में मैं हूं आपके साथ मनीष असवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे दिल्ली की खबर के साथ, जहां पर इलेक्शन मोड में है उत्तर प्रदेश और दिल्ली में बीजेपी का यूपी प्लान तैयार होगा। इसको लेकर के एक बैठक बुलाई गई है। दिल्ली में फीडबैक से होगा टिकट पक्का और 100 से ज्यादा मौजूदा विधायकों के टिकट कट सकते हैं। तो एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे, आपको बता दें 100 से ज्यादा मौजूदा विधायकों के टिकट कट सकते हैं, नए चेहरों को मौका दे सकती है बीजेपी। और शाम 7 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचेंगे, सांसदों की बैठक में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, और रात 8 बजे से बैठक में शामिल होंगे सीएम। और बैठक के बाद रात्रि भोज का भी आयोजन किया गया है। सांसदों की बैठक में शामिल होंगे स्वतंत्र देव सिंह, प्रदेश अध्यक्ष हैं स्वतंत्र देव सिंह, और इस बैठक शामिल होने वाले हैं। और दिल्ली में 2 दिनों तक चलेगी बीजेपी की यह बैठक, तो आज शाम को यह बैठक शुरू होने वाली है और बहुत ही महत्वपूर्ण यह बैठक मानी जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। शाम 7 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे, और स्वतंत्र देव सिंह जो उत्तर प्रदेश के प्रदेश प्रवक्ता भी हैं और माफ करिएगा प्रदेश अध्यक्ष हैं, और वो भी इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। तो आपको बता दें एक बड़ी खबर, आपको बता दें यहां पर 100 से ज्यादा मौजूदा विधायकों के टिकट कट सकते हैं और नए चेहरों को मौका दे सकती है बीजेपी। तो एक बड़ी खबर है यूपी के लिहाज से, और 2022 की तैयारियों को लेकर के ये बैठक बुलाई गई है, जहां पर दिल्ली में फीडबैक से टिकट पक्का होगा। और बड़ी खबर यह है कि 100 से ज्यादा मौजूदा विधायकों के टिकट भी कट सकते हैं, यानी कि 100 से ज्यादा मौजूदा विधायकों को सीट छोड़नी पड़ सकती है। और यह भी खबर सामने आ रही है कि नए चेहरों को मौका दिया जा सकता है, नए विधायक यूपी में बनाए जा सकते हैं। तो शाम 7 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचेंगे, और सांसदों की बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ आज शामिल होंगे, और रात 8 बजे से बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ हिस्सा लेंगे, बैठक में शामिल होंगे, और बैठक के बाद रात्रि भोज का भी आयोजन किया गया है। एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है, 2 दिन तक ये बैठक दिल्ली में चलने वाली है, और इस बैठक में शामिल होने के लिए सभी पदाधिकारी इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। तो एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें 2022 की तैयारियों को लेकर के बीजेपी ने एक और महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है, और इलेक्शन के मोड में है उत्तर प्रदेश और दिल्ली में बीजेपी का यूपी प्लान अब तैयार किया जाएगा। आज शाम से यह प्लान तैयार होगा, एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है, बीजेपी के तमाम पदाधिकारी इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं, और दिल्ली में फीडबैक से टिकट यहां पर पक्का होगा। और बड़ी खबर यह है कि 100 से ज्यादा मौजूदा विधायकों के टिकट कट सकते हैं, इसको लेकर के आज चर्चा की जाएगी, विचार किया जाएगा, प्लान तैयार किया जाएगा, रणनीति तैयार की जा रही है, और नए चेहरों को मौका दे सकती बीजेपी। तो एक महत्वपूर्ण बैठक आज शाम को शुरू होगी। कुमार पुष्कल हमारे साथ, हमारे संवाददाता इसी खबर पर आज जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। कुमार पुष्कल, 2022 में विधानसभा चुनाव है, इसको लेकर के तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, आज भी एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, और बड़ी खबर यह है कि 100 से ज्यादा विधायकों के टिकट कट सकते हैं। कौन कौन से ऐसे विधायक हैं जिनके ऊपर आज लगता है आपको कि गाज गिर सकती है? देखिये मनीष, टिकट कटने की बात साफ तौर पे नहीं है, लेकिन साफ तौर पे ये कहा जा रहा है कि आज जो 2 दिनों की बैठक है उसमें साफ तौर पे जो गुजरात मॉडल है बीजेपी का, गुजरात मॉडल में साफ तौर पे एंटिंग कैंपेंसी को लेकर जिस तरह से जो मौजूदा विधायक होते हैं उनके टिकट काटकर नए लोगों को टिकट देने की बात कही जाती थी, उसके बाद गुजरात में बीजेपी को बड़ी सफलता मिली थी, तो वही हो सकता है कि वो जो फॉर्मूला है गुजरात फॉर्मूला उत्तर प्रदेश पर भी लागू करे बीजेपी। साफ तौर पर 100 से अधिक टिकटों पर नए लोगों को चुनाव लड़ाया जाए, लेकिन अभी तक साफ तौर पे ये हाइपोथेटिकल सवाल हो सकता है, लेकिन चर्चा जरूर है बीजेपी में कि गुजरात मॉडल अपनाया जाए उत्तर प्रदेश में भी, कि पुराने जो विधायक हैं उनका टिकट काट कर नए विधायक को टिकट दिया जाए। और आज एक बड़ी बैठक है जिसमें साफ तौर पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, लेकिन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा, उनके नेतृत्व में आज बड़ी बैठक है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद होंगे, उसके अलावा सुनील बंसल होंगे, प्रदेश के अध्यक्ष होंगे बीजेपी के जो दिल्ली में मौजूद हैं, उसके अलावा तमाम जो सांसद और राज्यसभा लोकसभा दोनों सांसद मौजूद होंगे, लेकिन 2 भागों में बांटा गया है इस बैठक को, कल आज और कल। आज साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि ब्रज
पश्चिमी यूपी और कानपुर क्षेत्र के इलाके के जो सांसद हैं उन्हें आज बुलाया गया है। साफ तौर पे बैठक 8 बजे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में शुरू होगी और उसके बाद एक डिनर पार्टी होगी पार्टी की। उसके पहले तमाम साफ तौर पे यह भी कहा जा रहा है, चर्चा ये भी है कि जो राज्य सरकार है अपने कार्यों की समीक्षा उन सांसदों से कराएगी, उन्हें बताएगी राज्य में किस तरह के काम योगी सरकार ने किए हैं, उनकी एक पुस्तिका भी उन सांसदों को दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं आज फीडबैक साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि तमाम जो विधायक हैं मौजूदा विधायक उनका फीडबैक भी लिया जा सकता है। फीडबैक के आधार पर टिकट का बंटवारा होगा, कई लोगों के नाम पर दांव लग सकता है। लेकिन साफ तौर पे वही घूम के आ रहा है कि गुजरात फॉर्मूला इस बार बीजेपी उत्तर प्रदेश में भी लाने को सोच रही है। बिल्कुल कुमार पुष्कर, जैसा कि आपने कहा कि यहाँ पर गुजरात फॉर्मूला लाने की तैयारी है, नए चेहरों को मौका दिया जा सकता है। अगर कुछ पुराने नेताओं के टिकट कटते हैं तो कौन से ऐसे नए चेहरे जिनको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है? देखिए साफ तौर पे अभी तक नामों की चर्चा नहीं है, लेकिन गुजरात फॉर्मूला जो है वो बीजेपी में चर्चा का विषय जरूर है, क्योंकि गुजरात में जिस तरह से इस फॉर्मूले से तमाम बड़ी सफलता बीजेपी को मिली थी, तमाम सीटें मिली थी और उसी आधार पर। लेकिन साफ तौर पे ये कहा जा रहा है कि कुछ बड़े चेहरे जो चुनाव लड़ सकते हैं, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी नाम है, केशव मौर्य, स्वतंत्र देव सिंह बड़े नाम भी हो सकते हैं, लेकिन उन विधायकों का टिकट कट सकता है, चूंकि फीडबैक लिया जाएगा आज 2 दिनों में सांसदों और मंत्रियों के बीच फीडबैक लिया जाएगा, तमाम विधायकों का उनके काम की समीक्षा की जाएगी, उसके बाद ही टिकट का बंटवारा हो सकता है। तो कई बड़े नाम पर दांव बीजेपी खेल सकती है। बिल्कुल कुमार पुष्कर, कुछ पिछले कुछ दिनों की अगर बात की जाए तो हमने देखा संघ के पदाधिकारी बैठकों में शामिल होने के लिए लखनऊ पहुंचे थे, आज की अगर बात की जाए तो क्या इस बैठक में संघ के पदाधिकारी भी शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं? देखिए साफ तौर पे ये कहा जा रहा है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में ये बैठक होगी और बैठक को 2 भागों में बांटा गया है, कल और आज। आज और कल दो तमाम सांसदों को बुलाया गया है, राज्यसभा लोकसभा, उसके अलावा जो संगठन मंत्री हैं सुनील बंसल वो भी इस बैठक में मौजूद होंगे, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद होंगे, जो यूपी प्रभारी हैं राधा मोहन सिंह वो भी इस बैठक में मौजूद होंगे। तो कहीं ना कहीं तमाम विधायकों का जो काम की समीक्षा है, तमाम विधायकों के नाम की चर्चा और उनके कार्यों की समीक्षा आज के बैठक में सांसदों के बीच की जाएगी, सांसदों से भी उनके कामों का रूबरू कराया जाएगा। तो वही घूम फिर के साफ तौर पे ये आता है कि जो गुजरात फॉर्मूला है वो यूपी में भी बीजेपी लागू कर सकती है। बिल्कुल, चलिए आप नजर बनाए रखिए, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं अखिलेश यादव की तरफ से एक ट्वीट किया गया, उन्होंने लिखा है बीजेपी की बैठक पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया और निशाना साधा, और दिखाएंगे आपको क्या लिखा है। भाजपा आज अपने उत्तर प्रदेश के सांसदों से यूपी की दुर्दशा और दुर्गति का हाल दिल्ली बुलाकर के पूछ रही है और इससे पता चलता है कि दिल्ली और लखनऊ में कितनी दूरी है। सभी विपक्षी पार्टियां लगातार 2022 विधानसभा चुनाव की तैयारियों में युद्ध स्तर पर लगी हुई हैं और सभी वर्गों को अपने साथ लाने में जुटी हैं। सपा भी सभी जातियों के वोटों को अपने